बच्चों, आज मैं आपको लेखक मिथिलेश्वर की कहानी हरिहर काका को नाट्य रूपांतरण के रूप में दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखना। नमस्कार, मैं मिथिलेश्वर हूँ, अपनी कथा हरिहर काका का लेखक। मैं हरिहर काका को बचपन से जानता हूँ, उनसे मेरे बहुत गहरे संबंध हैं। वे मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं और बड़े होकर हम दोस्त बन गए हैं। हमारे गांव में ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर था जो अब बड़ा हो गया है। वहां लोग सोना चांदी जमीन सब दान में दे देते हैं। इस जगह को अब ठाकुर बाड़ी कहा जाने लगा। कोई संतान भी नहीं है, पर मेरे भाइयों का परिवार ही मेरे परिवार है। भगवान हरिहर भाई का पूरा ध्यान रखना, समझी? हाँ हाँ, हरिहर भाई का ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत कर। एक दिन हरिहर काका के घर मेहमान आया और उस दिन उनके घर भी खूब सारी स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। हरिहर काका को स्वादिष्ट व्यंजन खाने का बड़ा मन था। अरे, सबने खाना खा लिया, अब हरिहर भाई को भी खाना दे देती हूँ, वह बहुत बूढ़े हो रहे हैं। ये क्या योगा सुगा खाने को जा है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हरिहर काका ठाकुर बारी को अपनी जमीन दान देकर हमारे साथ यहाँ आराम से रहो। काका का 15 बीघा जमीन हथियाना पड़ेगा। हरिहर काका का पालन करो, उन्हें पीटो और इन कागजों में उनका अंगूठा ले लो। अब ठीक है, ले लिया। मुझे हरिहर भाई, तुम अपने अंगूठा इस कागज पर लगाओ। लगाते हो कि नहीं? पीटो ने अंगूठा लगाओ यहाँ। बस हो गया, अब जमीन हमारी है। हा हा हा, पूरा 15 बीघे जमीन हमारी। हरिहर काका, हम आपकी 15 बीघा जमीन पर विजय मनाएंगे और उसका नाम रखेंगे हरिहर उंस विजय। मैं अपने 15 बीघा जमीन किसको नहीं दूंगा। हरिहर काका, मैंने बदमाशों से तो आपको बचा ही लिया, अब मैं 4 सिपाही आपकी निगरानी के लिए बेच रहा हूँ, पर उनका खर्च खाना पीना आपको देखना पड़ेगा। चलो, अब तो ऐस है पुलिस वालों की। हा हा हा। कभी आपने सोचा है हमारे देश में बुजुर्गों की क्या दशा है? सोचिए, क्या वे सुरक्षित हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में? बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो है, इसीलिए तो आप हैं।